सिर्फ समस्याएं ही नहीं आती, अक्सर उनके साथ समाधान भी बहकर चले आते हैं। चेन्नई बाढ़ की भीषण आपदा से मेरा जन्म हुआ है। मैं हूँ रेडियो कुडालोर। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के दौरान एनजीओ सरनालयम के मुखिया जॉन नेल्सन को ख्याल आया कि ऐसे वक्त में कम्युनिटी रेडियो जीवनदायी साबित हो सकता है, और उनके इस विचार को सरकार, स्थानीय प्रशासन और कई संस्थाओं ने भरपूर मदद देकर वास्तविक रूप दे दिया। डिस्ट्रिक्ट शासन था, उन्होंने मदद किया, एक जगह देखे और वहाँ बिजली और फोन का इंतजाम करके, और जो वहाँ पे लोकल एनजीओ था वो लोकल एनजीओ ने अपने सारे वॉलंटियर्स को उसमें लगाया ताकि वो इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर पाए। बाहरी संस्थाओं ने मदद किया लाइसेंस दिलाने में और फिर इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में, ताकि इक्विपमेंट थोड़ी देर के लिए आ जाए, ट्रांसमीटर थोड़ी देर के लिए आ जाए। कम संसाधन कभी मेरे काम के आड़े नहीं आए। दिन रात काम करके 2-3 दिन के अंदर अंदर स्टेशन का सारा आयोजन करना और एक एंटेना का इंस्टॉलेशन करना और एक ट्रांसमिशन सिस्टम लगाना ताकि तुरंत काम शुरू हो जाए। और इस कम्युनिटी रेडियो की टीम के कठिन परिश्रम ने वो काम कर दिखाया। एंड वी हैव पीपल आस्किंग फॉर सम मिसिंग पर्संस। वी अनाउंस दैट देयर इज वन क्वेरी फ्रॉम ओल्ड टाउन, कडलूर ओल्ड टाउन। द बॉय वाज मिसिंग एंड ही केम एंड वी मेड अनाउंसमेंट एंड वी गॉट दैट द बॉय हैज बीन फाउंड। मेरा जन्म कम्युनिटी के लिए जरूरत के वक्त तुरंत खड़े होने की एक मिसाल है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख थी कि हम सब एक साथ मिलकर अगर काम करें तो इमरजेंसी में सामुदायिक रेडियो के द्वारा रिस्पांस बहुत जल्दी हो सकता है और उस रिस्पांस से बहुत फायदेमंद चीजें हो सकती हैं। मैं हौसला हूँ, आपदाओं में जीवन की संभावना हूँ। मैं रेडियो कुडालोर हूँ।